ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की ग्रीन टोन फोटो एडिटिंग। सो गाइस, इस फोटो एडिटिंग में मैं आप सभी बताऊंगा कि आप अपनी फोटो में एकदम प्रॉपर ग्रीन टोन कैसे डाल सकते हो। एंड गाइस, आपको मैं एकदम कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा तो कि एडिट जैसे अपने फोटोज़ में ग्रीन टोन डालते हैं। तो गाइस, आपको सब कुछ आज इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। तो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले गए आज की इस नई वीडियो को बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको अपनी फोटो को यहाँ पे पहले लाइट रूम ऐप में ओपन कर लेना है। देन गाइस, आपको यहाँ से चले जाना लाइट वाला ऑप्शन में, आपको साइड में दिख रहा होगा। देन गाइस, आपको फिर क्या करना है यहाँ पे, आप सभी को सबसे पहले इसका जो यहाँ पे आपको ये एक्सपोजर जो कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है गाइस, आपको पहले तो इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा यहाँ पे माइनस की तरफ रखना है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट माइनस की तरफ रखना है। एंड जो आप ऊपर एक्सपोजर दिख रहा है गाइस आपको, अभी उसको आपको इसको ऐसे छेड़ना नहीं है, अभी इसको ऐसे छोड़ देना। आपको जो हाईलाइट है नीचे इसके कॉन्ट्रास्ट के नीचे, आपको उसका हाईलाइट जो है इसको आपको यहाँ पे बढ़ा देना है। ठीक है, हाईलाइट को बढ़ा देना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे मिलेगा इसके नीचे शेडो। तो गाइस, आपको जो शेडो है ना आपको शेडो को जो बढ़ा देना ताकि जो आपकी फोटो की जो भी डिटेल थी ना वो वापस आ जाए। तो शेडो को बढ़ा देना है। एंड आपको यहाँ पे मिलेगा वाइट। तो गाइस, यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी गाइस यहाँ पे आपको वाइट जो है इसको आपको थोड़ा सा कम करना है। ठीक है, कुछ इस टाइप से। एंड जो गाइस आपको नीचे मिलेगा ब्लैक, फिर आपको जो ब्लैक मिलेगा गाइस, अब आप सभी को उसका ब्लैक जो है अगर आपको डार्क करनी हो अपना कोई ब्लैक वाला पार्ट तो आप उसको यहाँ पे डार्क कर सकते हो यहाँ पे माइनस करके। ठीक है, फिर उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे कलर्स में, आपको यहाँ पे गाइस फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ाना है। ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड टिंट है जो उसको गाइस आपको टेम्परेचर है जो उसको आपको ऊपर बढ़ा देना है ताकि गाइस जो आपकी फोटो की जो 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 कलर्स होंगे ना आपकी फोटो में वो वापस आ देंगे। फिर आपको जाना है कलर मिक्स में, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ पे जाने लेना पहले येलो कलर, आपको इसका सैचुरेशन बिल्कुल माइनस कर देना है। ठीक है, एंड जहाँ पे ग्रीन कलर है गाइस आपका इसका ह्यू जो है आपको उसको यहाँ पे आपको प्लस कर देना है। ठीक है, पूरा 100 तक। एंड जो इसका सैचुरेशन है इसे भी प्लस कर देना है 100 तक ताकि बस जो आपकी फोटो में ग्रीन टोन रहे। फिर आपको उसका लूमिनस है जो उसको कम कर देना है। एंड फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गाइस यहाँ से अब जाना है गाइस यहाँ से आपको जाना ऑरेंज कलर में। ठीक है, फिर आपको इसका सैचुरेशन कम करना है। ठीक है, अपने फेस के अकॉर्डिंग जो आपका जितना आपको फेस हो आपको उसका उतने अकॉर्डिंग आपको कम करना है। एंड लूमिनस भी उतना ही बढ़ाना अपने फेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, आप सभी को अब जाना है सिर्फ डार्क ब्लू में। आपको जैसे कि देखिए यहाँ पे हमारी शर्ट है तो उसका कलर हमारा चेंज हो रहा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हमें इसको यहाँ पे स्काई ब्लू कलर देना है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे यू को एंड यहाँ पे सैचुरेशन प्लस कर देंगे ताकि थोड़ा वो डार्क हो जाए। ठीक है, फिर इतना जाने के बाद आपको यहाँ पे भी कर देना है डन। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है 3 पॉइंट जो दिख रहा है आपको कलर मिक्स के बगल में, आपको सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ पे शेडो के सामने एक एरो दिखेगा, आपको सिंपल इस पर टाइप करना है। फिर आपको गाइस यहाँ पे जो ह्यू है आपको उसको ले जाना है येलो कलर में। ठीक है, फिर इसका सैचुरेशन जो है आपको थोड़ा सा बढ़ाना है। फिर उसके बाद जाना आपको मिड टोन में, आपको इसको जो ह्यू है आपको उसको ले जाना है यहाँ से येलो टोन में। एंड उसके बाद गाइस इसको जो है हम यहाँ पे ब्लू की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, ब्लू टोन में रखते हैं, जैसे कि गाइस यहाँ से हम कुछ ग्रीन और ब्लू के बीच में रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें फोटो में जो है ग्रीन टोन देना है ना अच्छा वाला, तो इसको हम ग्रीन में रख लेते हैं। एंड जो है इसका फिर हम जाएंगे यहाँ से हाईलाइट में, हम इसका सैचुरेशन पहले बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हम इसको ले जाएंगे यहाँ पे ग्रीन टोन में। ठीक है, इसको हम ग्रीन टोन में ले जाएंगे बट यहाँ पे हम ग्रीन और स्काई ब्लू के बीच में रखेंगे। ठीक है, इसको एंड उसके बाद जो है इसका सैचुरेशन यहाँ पे बढ़ा देंगे। तो गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है, अब क्या करते हैं, अब इसको हम कर देते हैं डन। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे गाइस सिलेक्टिव टूल में, आपको गाइस क्या करना है, आपको अपनी फोटो को जूम करना है। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, पहले आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है, आपको जो गाइस सर्कल वाला ऑप्शन है आपको सिंपली इसको लेना है। आपको गाइस अपने फेस के ऊपर कुछ ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ऐसे प्रेस करके रखोगे तो ऐसा सर्कल बन जाएगा। फिर आपको क्या करना है यहाँ पे, आपको गाइस यहाँ पे इसको एक्सपोजर बढ़ाना है। ठीक है, क्योंकि हमें फेस पे अभी थोड़ा ब्राइटनेस डाल लेना, तो एक्सपोजर बढ़ा लेते हैं। फिर उसका इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको उसका एक्सपोजर बढ़ा देने के बाद आपको सिंपली डन करना है। एंड उसके बाद आपको फिर करना है, आपको जाना है अगेन सिलेक्टिव टूल में। तो यहाँ पे अभी हम इतना कर लेते हैं, अब दोबारा से जाएंगे हम सिलेक्टिव टूल में। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगेन हम प्लस पे क्लिक करेंगे एंड लेंगे सर्कल वाला ऑप्शन। फिर आपको गाइस जैसे कि आप दिख रहा होगा आपको पीछे की तरफ स्काई, तो गाइस आपको उसको इसका स्काई है ना वापस इसको आपको ब्राइट करना है। एंड जो आपके हेयर्स के ऊपर इसका जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्शन है जो आपके हेयर्स के ऊपर पड़ रहा था हमें वो दिखाना है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे उसका एक्सपोजर यहाँ पे इंक्रीज़ कर देंगे तो जिस टाइप से। ठीक है, तो देखिए कितना ओपी लग रहा है। तो ठीक है, तो आपको भी ऐसे करना है। एंड उसके बाद आपको गाइस ये साइड में पीछे की तरफ भी है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे गाइस इसको अभी तो यहाँ पे इतना छेड़ेंगे नहीं, अभी हम इसको ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऑन ऑफ करके यहाँ पे चेक कर लेते हैं कैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिर गाइस आप देख सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर भी यहाँ पे आपको समझ आ ही रहा होगा। तो गाइस यहाँ पे इतना परफेक्ट है। अब गाइस क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब गाइस हमें जो है दूसरी साइड भी एक सर्कल बनाना है। ठीक है, तो दूसरी साइड सर्कल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम यहाँ पे चाहे तो उस पर प्रेस करके हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इसका, बट गाइस आपको जैसे ईजी लगे वैसे कर लेना। हम यहाँ पे ऐसा करेंगे, यहाँ से हम दोबारा से इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम एक और सर्कल ले लेंगे। ठीक है, सर सिंपली। एंड इसको लेने के बाद आपको फिर करना है, आपको कुछ इस टाइप से ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, सर्कल ड्रॉ करने के बाद आपको फिर करना है एक्सपोजर जो है आपको इसको बढ़ा देना है। एक्सपोजर बढ़ा देने के बाद आपको फिर करना है, आपको गाइस यहाँ पे सिंपली यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। ठीक है, तो अभी हमारा इतना काम हो चुका है यहाँ पे, जो लाइट रूम में हमें जितना करना था अभी इतना हो चुका है।
तो गाइस अभी हमें इसमें ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। बट गाइस अभी हमें इसमें थोड़ा सा चेंज इसको यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा सेव कर लेते हैं। बट इसमें जो है हमें डोजन वन की बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो डोजन वन हमें करना बहुत जरूरी है इसमें, तो अभी हम इसको यहाँ पर फिलहाल सेव कर लेते हैं। एंड गाइस इसको सेव करके हम यहाँ से चलते हैं बैक, ठीक है। जहाँ से हम बैक जाएंगे एंड यहाँ से गाइस बैक जाने के बाद जो है गाइस इसमें हम डोजन वन के लिए जो आपको यूज़ करने वाले हैं गाइस वो है हमारा स्नैपसीड, ठीक है। क्योंकि ये क्या है कि एक तो गूगल का ऐप है, तो गाइस ये ना हमारी फोटो का ज़्यादा मतलब क्वालिटी को लॉस नहीं करता है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्नैपसीड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली हम प्लस पर क्लिक करके हम जिस हमने फोटो का भी हमें सेव किया था हमने हम सिंपली इसको ओपन कर लेंगे। एंड उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम सिंपली इस पर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको ब्रश वाला ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। एंड इतना कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको अपनी फोटो का यहाँ पे जूम करना है, ठीक है, फोटो यहाँ पे कुछ टाइप से। एंड फोटो को जूम करने के बाद आपको यहाँ पे फिर अपने जो है मतलब कि आपको अपनी जो बॉडी के ऊपर ऐसे कुछ लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड गाइस डोजन वन के ऊपर ना मैंने एकदम पूरी प्रॉपर वीडियो बना रखी है, तो उसका लिंक ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर देखना, आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट जरूर करना। बाकी गाइस मैं इसमें जल्दी जल्दी डोजन वन करता हूँ एंड आपको फिर मैं बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ। तो जैसा कि हमारे जहाँ तक हमने मतलब कि हमें डोजन वन भी कंप्लीट कर दिया है, तो गाइस आप देख सकते हैं गाइस यहाँ पे हम बिफोर एंड आफ्टर, तो गाइस देखिए बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे हमारे जो एकदम कंप्लीट रिटच हो चुकी है हमारी फोटो की। तो गाइस ऐसा करता है आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं ऐसी कंटेंट लाता रहता हूँ आप सभी के। तो चलिए गाइस मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।